जनपद हापुड़ में मंगलवार को बुलंदशहर रोड स्थित ग्रीन वैली में कांग्रेस के मुख्यालय चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हुआ, जहां कांग्रेस प्रत्याशी भावना वाल्मीकि ने पूरे विधि विधान के साथ हवन किया और ईश्वर से अपनी विजय की कामना की। प्रेस वार्ता के माध्यम से पत्रकारों को संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी भावना वाल्मीकि ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर 20 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, जिसमें से 8 लाख महिलाओं को रोजगार की भागीदारी देनी है। यूपी कांग्रेस प्रभारी प्रियंका गांधी जी अपने वादे के मुताबिक कांग्रेस की सरकार बनने पर इसे पूरा करने जा रही हैं। उन्होंने कहा कि हापुड़ विधानसभा की सीट पर इस बार कांग्रेस की जीत निश्चित है। शहर और ग्राम के लोगों से उन्हें भरपूर समर्थन और सहयोग भी मिल रहा है। आप जानना चाहेंगे, आज आपने अपना मुख्य कार्यालय का उद्घाटन किया है, क्या आपके मुद्दे रहने वाले हैं इस चुनाव में? हमारे मुद्दे यही है, स्वास्थ्य, चिकित्साएं और महंगाई, बेरोजगारी, ये सब के मुद्दे हैं हमारे। आप जिला पंचायत भी है, आपने जिला पंचायत चुनाव किनको हरा करके जीता था? श्री गुजराज सिंह जी की वाइफ, उनको हराया था। तो अब आप अपनी जीत के लिए कितने सुनिश्चित हैं? आपको जो मतदाता है किस लिए वोट करें, क्या आपके मुख्य मुद्दे रहने वाले हैं हापुड़ जनता के लिए? हमारे मुख्य मुद्दे यही हैं, बेरोजगारी जो है, जो युवाएं बेरोजगार हैं आज, उनको रोजगार दिलाना, स्वास्थ्य, चिकित्सा, इन सब की सुविधाओं को। मैम, यदि अगर कांग्रेस की सरकार बनती आपकी, तो जो युवाओं युवक के लिए जो दिया है स्कूटी व स्मार्टफोन, उसके बारे में? सर, हम जो हमारी श्रीमती प्रियंका गांधी जी हैं, उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत अच्छा प्रोसेस किया निकाला है, जो 40% आरक्षण दिया है, उसमें 20 लाख वैकेंसी निकाली, जिसमें 12 लाख युवाओं को, पुरुषों को दिए जाएंगी और 8,000 महिलाओं को दी जाएंगी, 8 लाख महिलाओं को दी जाएंगी। मैम, 403 विधानसभा हैं, इसमें कितनी लेडीज महिलाओं को प्रत्याशी टिकट दिया है? 40%।